स्वागत है आप सबका श्रीलंका विमेन टूर ऑफ इंग्लैंड के अंदर। ये तीसरा और अंतिम T20I है जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड डर्बी के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 10:30 बजे। ये सीरीज डिसाइडिंग मैच है। जो टीम इस मैच के अंदर जीतती है वो मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी अपने नाम करेगी। तो देखो सबसे पहले पिछले मैच की समरी की बात करते हैं। बहुत ही रोमांचक मैच था लास्ट वाला। यहाँ पे देखो क्या हुआ, श्रीलंका 8 विकेट से जीत दर्ज करती है और पहली बार T20 के अंदर श्रीलंका विमेन ने पहली बार इंग्लैंड को हराया था। ऐतिहासिक मैच था, ऐतिहासिक दिन था यहाँ पे श्रीलंका क्रिकेट के लिए। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, श्रीलंका टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। इंग्लैंड 104 रन पे सिमट जाती है। चार्ली डीन 34 करती है, हीदर नाइट ने 14 किया, ईशी वॉन्ग ने 13, माया बोशीर ने यहाँ पे 12 रन बनाए। इनिशियो फर्नांडो का 2 विकेट था, दिलारी का 2, उदयकिशोर प्रभुदानी का 2, एनेको रेनेवरा ने यहाँ पे 2 विकेट निकाला था। श्रीलंका की बात करते हैं, चमायरा अदुपतु भाई क्या क्रिकेटर है ये, कमाल के क्रिकेटर, वन द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आती हैं ये। 55 रन की पारी, मतलब ये वन विमेन आर्मी शो है। अकेली आती हैं, टीम को लीड करती हैं, क्या प्लेयर है भाई साहब। हर्षिता 30 नाबाद करी, विश्मी गुनोरत ने 18 नाबाद किया, अनुष्का संजीवनी ने 1 रन बनाया था, डेनेली गिब्सन का 1 विकेट था, कैप्सी का यहाँ पर 1 विकेट था और बड़े आसानी से यहाँ पे 14 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया। वन साइडेड गेम था पूरा। अब देखो इस सीरीज के बाद, T20 सीरीज के बाद आपको यहाँ पे ODI सीरीज देखने को मिलती है। 9 सितंबर को पहला ODI है, दूसरा ODI 12 सितंबर को है, तीसरा ODI 14 सितंबर को है। तो आपको तीनों मैचेस की कवरेज भी देखने को मिलेगी। तो आपको वही कहूंगा मैं, पूरा वीडियो देखना है। स्टूडियो के अंदर आपको करीबन, आप खुद देखो, 70 स्लाइड्स है, लगभग 69 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या रहेगा, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी, जैसे मैं पिच की फोटोज पोस्ट कर देता हूँ, जैसे लास्ट मैच आपको बता दें मैंने हाइब्रिड पिच है, जो भी मेरे को न्यूज मिलती है सब मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं, काउंटी ग्राउंड डर्बी के ऊपर मैच है, ठीक है। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच कब खेला गया था, आप देखो, खेला गया था 29 मई इसी साल 2023 के अंदर। मैच था यहाँ पे सदर्न वाइपर्स वर्सेस द ब्लेज। उस मैच में क्या होता आपको मैं समझाता हूँ। हुआ कुछ नहीं था, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है 118 पे सिमट जाती है, फिर जो टीम चेस करने आती है वो 19.4 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है और 5 विकेट से जीत दर्ज करती है। उससे पहले 142 बना 6 विकेट गवा के। जो टीम चेस करने आई वो 16.4 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है और 8 विकेट से मैच जीतती है। पता कौन सा मैच था, इंग्लैंड वीमेन वर्सेज इंडिया वीमेन, इसमें इंडिया वीमेन जीती थी 8 विकेट से। 143 का टारगेट था, चेस हो गया करीबन 20 बॉल रहते हैं, ये सोचो, बहुत अच्छा खेला था। उससे पहले 176 बना 6 विकेट गवा के। जो टीम चेस करने आती है 138 पे 6 विकेट गवा देती है। मैच था इंग्लैंड वीमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वीमेन का। उससे पहले 124 बना 9 विकेट गवा के टारगेट चेस हो गया लास्ट बॉल के ऊपर। तो आप देखो पिछले 8 मैचेस के अंदर इस वनडे के ऊपर 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, 3 मैचेस यहाँ पे चेस करते हुए जीते गए हैं। और इंग्लैंड वीमेन इस वनडे के ऊपर 9 मैच खेली है, 6 मैच जीती है, 3 मैचेस आ रही है। श्रीलंका विमेन इस वनडे के ऊपर पहली बार खेलने वाली है और ये होम ग्राउंड इंग्लैंड का, क्योंकि मैचेस इंग्लैंड के अंदर हो रहे हैं। प्रति ओवर यहाँ पे 8 के आसपास रन्स बनते हैं और अच्छा ट्रैक आपको देखने को मिलने वाला है फिर से, जहाँ पे रन्स बनेंगे और स्पिनर्स यहाँ पर गेम में आते हैं। आपको लास्ट टाइम भी कहा था काउंटी ग्राउंड चैंसवर्ड पर रन्स तो बनते हैं, बट लास्ट गेम में पता नहीं इंग्लैंड क्या ही खेली थी, स्पिनर्स का भी मैंने मेंशन किया था कि स्पिनर्स गेम में आएंगे, सेम इसी तरह इस वनडे के ऊपर स्पिनर्स गेम में आपको आते हुए दिखेंगे। तो आप देखो जो लास्ट मैच था 29 मई को खेला गया था, उस गेम में 8 विकेट था पेसर्स का, 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स का था लास्ट मैच के अंदर। अब मैं आपको ओवरऑल लास्ट 8 मैच की डेटा बताऊंगा, ठीक है। पेसर्स ने, तेज गेंदबाजों ने 46 विकेट निकाला है। पहली बार में पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूमन गेम्स के अंदर, 30 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 16 विकेट, तो क्लियरली देखा जा सकता है पहली पारी में पेसर्स कितने इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म पेसर का 41, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 5 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ, स्पिनर्स की बात कर रहे हो, 47 विकेट्स है, पहली पारी में 23, दूसरी पारी के अंदर 24, ऑफ स्पिनर्स का 20, लेग स्पिनर्स का 10, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 17 विकेट है। तो स्पिनर्स आर द की एट दिस वेन्यू, मैचेस को कंट्रोल करते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में पेसर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पिच आप देख सकते हो अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले यहाँ पे, जी हाँ रिसेंटली यहाँ पे एक मैच हुआ था, कौन सा, रॉयल लंडन कप का। अब आप कहोगे रॉयल लंडन कप क्या होती है, इंग्लैंड का डोमेस्टिक 50 ओवर का लड़कों का टूर्नामेंट होता है मेंस का, उसके अंदर पिच इस्तेमाल करी गई थी। तो आप देख सकते हो ऐसी पिच यहाँ पर दिखती है और इस वेन्यू को एक और नाम से जाना जाता है, इनकोरा, ठीक है, क्योंकि इनके स्पॉन्सर्स है, इनकोरा भी बोलते हैं इसको स्टेडियम।
तो आप पिच देख सकते हो, ऐसी पिच दिखती, पिच पे ग्रास आपको देखने को मिल सकती है, ये देखें आप, बहुत ही बढ़िया ट्रैक होता है वैसे ये। और जब यहाँ पे T20 ब्लास्ट के मैचेस हुए थे इस साल, तब पिच ऐसी थी, हल्की से आपको ग्रास तो पक्का इस पिच के ऊपर देखने को मिलेगी। और डायमेंशंस मेरे हिसाब से छोटे होंगे, 60 मीटर की स्क्वायर, सामने भी 60 मीटर की आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, श्रीलंका में भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, दोनों टीम्स ने 13 मैचेस खेले हैं। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पे श्रीलंका को जीतते हुए देख के, क्योंकि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में भी कहा था, पहले T20 में भी और दूसरे के अंदर भी, कि जो श्रीलंका की टीम है ना, ये भाई साहब बहुत अच्छा क्रिकेट दिखा रही है। ठीक है, अगर आप वीडियो जाके देखते हो पिछले, तो आपको वहाँ पे समझने भी आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि श्रीलंका की टीम बहुत अच्छे फॉर्म में थी। इन्होंने रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, श्रीलंका में सीरीज थी वो, तो न्यूजीलैंड को भाई साहब धूल चटाई थी इन्होंने, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। और इंग्लैंड वही करने पे, और मतलब इंग्लैंड का आप स्क्वाड देखते हो तो नया स्क्वाड है, इस वजह से श्रीलंका को एडवांटेज भी मिल जाता है। दोनों टीम्स ने 13 मैच खेला है, इंग्लैंड 10 जीती है, श्रीलंका 1 जीती है, 2 मैच नो रिजल्ट गया है। 11 की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से डैनी वाइट ओपन करेगी माया बुशीर के साथ, अलाइस कैप्सी हैं, हिदर नाइट कैप्टन, फ्रेया कैंप लेफ्टी बैटर हैं, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन, सारा ग्लेन, चार्ली डीन, कैट क्रॉस, महिका गौर। इस गेम में इवन लॉरेन बेल आ सकती है, बिकॉज ये मैच है सीरीज डिसाइडिंग। श्रीलंका वीमेन की बात करते हैं, भाई फोटोज अपडेट कर दी मैंने, बहुत टाइम लगता है सब, कैसे लगा मेरे को बताना फोटोज वगैरह ये सब। तो चमायर आतुपत ओपन करेगी विश्वी गुणरत्ने के साथ, आपने तीनों मैच अभी तक 2 मैचेस में सीरीज में, और दोनों मैचेस में जो टीम है श्रीलंका ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है मैच के अंदर। विश्वी गुणरत्ने वैसे ऑफिशियली ओपनिंग बैटर है रेगुलर, हर्षिता समरिकर वन डाउन आने चाहिए, नीलाकाश डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, असीना परेरा, कविश दिलारी, उदयकेश प्रभुदानी, लेफ्ट आर्म पेसर है एनो करेनेवरा, एनोशे फर्नैंडो, सुगंधिका कुमारी। अब चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ। डैनी वाइट ने 9 मैचेस के अंदर 185 रन्स किया है, 23 की औसत है, और आप देखते हो 130 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 27-2-51, नबाद 48-1, चेस के ऊपर 15-37-5। वेन्यू के ऊपर इसने 7 मैचेस खेला है, 122 रन्स है, 110 का स्ट्राइक रेट, 17 की एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 21, नबाद 17-14-11-0-23-6-13, चेस पे इसने आज तक यहाँ पर कभी खेला ही नहीं है। और रिसेंटली जहाँ पे एक मैच हुआ था इस डेट को, ये वाली 29 मई को सदर्न वाइपर्स का मैच था अगेंस्ट ब्लेस, उसमें ये खेली थी, और 13 रन इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली बनाया था जो 29 मई को मैंने आपको डेट बताई थी। चलते हैं माया बोशुर की तरफ, उसमें ये भी खेली थी सदर्न वाइपर्स की तरफ से जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था। वैसे एटवुड के अंदर 3 मैच में 55 रन से बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, फील्डर भी बहुत अच्छी है, तो वही बात है बैक करिएगा इनको, अच्छी प्लेयर है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 68 रन से 114 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 18-34-16, लास्ट टाइम पर 16 किया था उन्होंने। अब चलते हैं किसकी तरफ, अलाइस कैप्सी की तरफ। 3 मैचेस के अंदर एटवुड के अंदर 98 रन हैं और 1 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 29 रन है, 25 बैटिंग फर्स्ट 4 रन, बैटिंग फर्स्ट 4 पे रन आउट भी थी। फॉर्म भी बड़ा डिसेंट है इनका, डिसेंट और फॉर्म इनका भाई बहुत बड़ा कंसर्न है इनका, फॉर्म बहुत ख़राब, इन्होंने बैटिंग करी रिसेंटली बस पिछले कुछ मैचेस को छोड़ के। हिदर नाइट का 4 मैचेस में 64 रन है, बैटिंग फर्स्ट 6-23, नबाद 14, चेस के ऊपर 21 है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 117 रन है हिदर नाइट का, 23 की औसत है। बैटिंग फर्स्ट 25-17-29-42, चेस के ऊपर 4 है। हर मैच में आपको आती 30-40 रन करके चली जाती हैं, तो आपको आराम से 30-40 रन देखे जाती हैं। एमी जोन्स की बात करें, 7 मैचेस में 128 रन से 131 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 57-12, चेस के ऊपर 18-36-3-2 नाबाद। वेन्यू की बात करें तो 8 मैचेस में 164 रन से एमी जोन्स का 130 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 24-25-4-55-28-17, चेस के ऊपर 11-8-0 है। फॉर्म 12-2 नाबाद, 14-46 नाबाद, 33-2-48 नाबाद, 7-13-6-37-2। फ्रेया कैंप फिलहाल तो जो बेटर खेल रही हैं, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 22 रन से, बैटिंग फर्स्ट 20-2। वेन्यू के ऊपर 3 मैच के अंदर 63 रन है। इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली नहीं कहेंगे, मतलब कुछ साल पहले यहाँ पे खेला था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वीमेन का गेम था, उसमें इन्होंने 51 नाबाद की पारी खेली थी कुछ मात्र 25 गेंदों के अंदर, और बहुत अच्छी इनिंग्स थी उनकी वो। तो इस वेन्यू के ऊपर इसने हाफ सेंचुरी करी हुई है जो भी इंटरनेशनल गेम में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, फिलहाल तो बैटर ही खेलेंगी है। गिब्सन का 2 मैच में 1 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर दोनों बार बॉलिंग सेकंड किया है, रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा रहा, बट लेट्स सी। चार्ली डीन 2 मैचेस में 1 विकेट है, 34 रन बल्ले से हैं, लास्ट गेम में 34 रन किए थे उन्होंने, बैटिंग भी करती हैं। मैं सारा ग्लेन का फॉर्म देख के शौक हूँ, लास्ट गेम में मार खाई थी, 3 मैच में 1 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 8 विकेट है, बल्ले से 71 रन है। और ये जो मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना है, आई थिंक भूल गया हूँ किसका होम ग्राउंड है, जस्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको।
होम ग्राउंड है, कहाँ गई लाइनअप्स, ये देखो आप होम ग्राउंड है ये सारा ग्लेन का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको याद रखना है सारा ग्लेन का होम ग्राउंड है, डर्बी की क्रिकेटर है ये यहीं की, और बैसेथ का भी होम ग्राउंड है, बैसेथ ना कीपर बल्लेबाज या बेंच पे मोस्टली। अब फिर से अपन स्टैट्स की तरफ चलते हैं, सारा ग्लेन का 8 मैच में 8 विकेट है, हर बार यहाँ पे बॉल सेकंड किया है, 6 मैच के अंदर 8 विकेट निकाला है। अब आपको क्या, आपने यहाँ पे 8 मैच क्यों लिखा है, 8 मैचेस उसने खेले हैं बट इसने 6 इनिंग्स में ही बॉलिंग करी है बॉल सेकंड करते हुए, 6 की इकोनॉमी है, बल्ले से 71 रन से 16 का स्ट्राइक रेट है, तो अच्छी क्रिकेटर है, लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देती है इस गेम के अंदर। कैट क्रॉस का 3 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए 2 बार विकेटलेस गई है, रिसेंट फॉर्म इनका कंसर्न रहा है और बहुत दिनों बाद ये T20 के अंदर वापसी करी है, 11 के अंदर तो भी इन्होंने कोई खास प्रदर्शन दिया नहीं है। माइका गौर का 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, लेफ्ट आर्म पेसर स्विंग कराती है, अगर पिच पे ग्रास दिखती है तो आप टीम में रख सकते हो। ईशी वॉन्ग आउट ऑफ फॉर्म अभी, मतलब उसको टीम में, सीधी बात कह रहा हूँ मैं तो, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 0 विकेट आएगा बॉलिंग सेकंड के अंदर, रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है इनका। अब आती हैं लॉरेन फाइलर, तेज गति से डालती हैं, ये 100 के अंदर सबसे फास्टेस्ट बॉलर थी, बैसेथ के स्टेट्स आप देख सकते हैं, फॉर्म 13-0-0-18-20 इस तरह से रहा है। लॉरेन बेल का स्वर्णी के ऊपर 2 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्श में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट फॉर्म इनका कमाल है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट खेलती तो पक्का टीम में मैं रखूंगा। पिछले गेम में क्या हुआ था, कैट क्रॉस ने 1st, 3rd, 14th डाला, गिब्सन ने 2nd, चार्ली डीन ने 4th, 5th, ईशी वॉन्ग का 5th, 13th था, सारा ग्लेन का 7th, 9th, 11th, कैप्सी का 8th, 10th, 12th। चलते हैं चमायरा अतुपतु की तरफ, 10 मैचेस में 136 रन से, 14 की औसत है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है, और जो इनका फॉर्म है ना वो भाई साहब बहुत अच्छा फॉर्म है। मैं इनको स्टार्टिंग ईयर से कह रहा था, अगर आपने देखा हो न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो श्रीलंका में हुई थी उस टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था, चमायरा अतुपतु अपने प्राइम फॉर्म में चल रही है, इस वजह से आप देखो ये टीम इतिहास रच रही है धीरे धीरे। कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में ज़्यादा मैं, अनुष्का संजीवनी का 4 मैच में 8 रन है, कीपर बैटर हैं, दिन बात तो चल जाती वरना कोई खास रोल नहीं है इनका। हर्षिता समरकुना वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर, फॉर्म भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे फॉर्म में, ये 5 मैचेस के अंदर 48 रन है, वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत अच्छे फॉर्म में थी जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, 5 मैच 48 रन है एटवर्ड के अंदर। विश्मी गुणरत्ने ये भी अच्छी ओपनिंग बैटर, इनको ओपन ही कराना चाहिए, 3 मैच में 35 रन से, बैटिंग फर्स्ट 0-18 नाबाद, चेस के ऊपर 17 नाबाद। अगर आपने पिछला मैच नहीं देखा आप जाके देखना, इनके जो कवर ड्राइव थे, इन जो इनके स्टेट ड्राइव थे, एग्जीबिशन थे एकदम, बोलते हैं ना क्लासिकल बुक शॉट था एकदम, किताबी शॉट होता है जो एकदम बहुत ही अच्छे शॉट्स मारे हुए। अश्विन परेरा 3 मैच में 17 रन है, निला कैशर डिसिल्वा 6 मैच में 52 रन से, एक्टूड में 79 का स्ट्राइक रेट है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं, पुराने क्रिकेटर है ये भी। कविशी दिलारी का 3 मैच में 3 विकेट है, सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीरीज में दिलारी है, जिस तरह से बॉलिंग कर रही हैं, जिस तरह से फील्डिंग करती हैं ये। इन्होंने कहा रनेवेरा इस टीम की सबसे एक्सपीरियंस आप कह लो, सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज, 5 मैच में 6 विकेट है और फाइनेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड आपकी लिस्ट में देखने को मिलती है ये। उद्यकेश प्रभुदानी 5 मैचेस में 4 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट में इसको ट्राई कर सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज बॉलिंग फर्स्ट में प्रभुदानी बहुत स्पेशल होती है, इवन मैंने उसको पहले मैच में लिया था और आपसे मैंने कहा था दूसरे मैच में कि उसको बैक करना, और ये आती हैं और परफॉर्मेंस देखे जाती हैं। सुगंधिका कुमारी 4 मैच में 1 विकेट है, 10 की इकोनॉमी, थोड़ी महंगी साबित होती हैं आमतौर पर। एनर्जी फर्नेंडो पिछले गेम में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट निकाला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, इससे पहले इसने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी उसमें भी अच्छा प्रदर्शन दिया था, मेरे को अभी भी याद है वो मैचेस, तो इस वजह से आप इसको भी ट्राई कर सकते हो चाहिए तो। और अशोधा राणा सिंह को मौका नहीं मिल रहा, ये इंजर्ड है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके। पिछले गेम में देखो अतुपतु ने डाला था 1st, 7th, 15th, प्रभुदानी 2nd, 6th, 8th, प्रियदर्शनी मतलब कौन है, इनोशी फर्नांडो, वही है, इसके 2 नाम है, इनोशी प्रियदर्शनी और इनोशे फर्नांडो, एक ही क्रिकेटर है, 3rd, 5th, 12th, 16th। सुगंधिका कुमारी 4th, 11th, इसने देखो कमी बॉलिंग कराई थी, रनको रनेवेरा 8th, 10th, 14th, दिलारी का 9th, 13th, 17th ओवर था। मैचअप्स देखते हैं, माया बुशीर वर्सेस प्रियदर्शनी मतलब इनोशे फर्नांडो, 1 बॉल 0 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। डैनी वाइट वर्सेस अतुपतु 10 इनिंग्स में 4 बार आउट कर चुकी है, 44 बॉल्स के अंदर 51 रन देखे, जो बोल्ड किया था ना इनको, क्या बोल्ड किया था भाई साहब, मैच सेट करके दिया था डैनी वाइट के अगेंस्ट अतुपति ने बोल्ड करके श्रीलंका को। कैप्सी कोई खास मैचअप नहीं है बट ये विकेट दान देखे जाती हैं सबको। फ्रेया कैंप वर्सेस दिलारी, फ्रेया कैंप लेफ्टी बैटर हैं और दिलारी ऑफ स्पिनर है, और दिलारी के पास हाइट भी अच्छी खासी, मतलब हाइटेड बंदी है ये, इस वजह से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है बॉलिंग करते हुए और एक्स्ट्रा रैप्स मिलते हैं जो अपन कहते हैं, तो इस वजह से दिलारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमी जोन्स वर्सेस इनको रेनेवेरा 42 बॉल 51 रन 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हेदर नाइट का कोई खास मैचअप नहीं, अच्छी प्लेयर है। चलते हैं अनुष्का संजीवनी,
एशी वॉन्ग ने, गिब्सन ने एक एक बार आउट किया है। अतुपतु का स्ट्रगल आपको आमतौर पर मैकाओ गौर के सामने देखने को मिलता है। 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 17 बॉल में 19 रन दे गए। कैट क्रॉस ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 57 बॉल के अंदर 55 रन दे गए। हर्षिता वर्सेस हीदर नाइट 5 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। हसीना परेरा का आप देख सकते हो, निलकाशी डिसलवा का भी आप देख सकते हो। ये पूरा मैंने आपको टेक्टिकल डेटा लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हो। टीम्स कैसा खेलती है एक पर्टिकुलर बॉलर को, ऑफ स्पिन के सामने इंग्लैंड स्ट्रगल करती है, और इंग्लैंड ने लास्ट गेम में ऑफ स्पिन को देखो कितने विकेट दिए थे। अतुपतु ऑफ स्पिनर 1 विकेट निकाल के गई, दिलारी 2 विकेट निकाली, और इनेशो फर्नांडो 2 विकेट निकाली। तो 5 विकेट सोचो आप इंग्लैंड वीमेन ने ऑफ स्पिन को दिया था। टेक्टिकल डेटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आपकी फेवर में जाती है, कई बार आपकी अगेंस्ट में जाती है, बट आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेग स्पिन है, लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, और आप साइन अप कर सकते हो Exchange 22 के ऊपर। यहाँ पर आपको जो 1 अक्टूबर से 28% का GST का नियम आएगा डिपॉजिट के ऊपर, वो आपको Exchange 22 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो साइन अप कर लेना, पे करना क्या रहता है, आपको प्लेयर्स को बाई करना रहता है, सेल करना रहता है। आपको यहाँ पे 11 प्लेयर्स की टीम नहीं बनानी पड़ती, सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आपको एक प्लेयर लगता है चलेगा उसको बाई कर लो, एक प्लेयर आपको लगता है नहीं चलेगा उसको सेल कर दो। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, एक मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैन का, इसमें मैंने टीम शेफर्ड को बाई किया था, डेरिल मिचेल को सोल्ड किया, प्रॉफिट हुआ। टीम साउदी को मैंने यहाँ पे सोल्ड किया था, प्रॉफिट हुआ। वहाँ पे डेविड मलान वहाँ पे 50 करके गए थे तो उनका भी प्रॉफिट हुआ था। तो आप खुद देखो 4,000 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया और विनिंग भी थी 4,500 के आसपास, मतलब लगभग 450 रुपये को प्रॉफिट हुआ। तो आप खुद देखो इसके अंदर आज तक मैंने डिपॉजिट किया है 26,000 रुपये और जो विनिंग है वो 2.5 लाख के ऊपर है। तो आप भी आके यहाँ पे खेल सकते हो। रेफर कोड P11 लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, ट्राई करके देखना, बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर द लॉस कवर। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ऑफर ये है कि आप यहाँ पे 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 1,700 रुपये मिलता है। कैसे, 500 रुपये आपको बोनस मिलता है और 200 रुपये आपको डिपॉजिट सेक्शन के अंदर रियल कैश मिल जाता है सीधा। तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन चमायर अतुपतु है, डैनी वाइट है, अलग जाना तो कैप्सी गिब्सन आपके पास अच्छी ऑप्शन है। सारा गेलेन अभी तक इस सीरीज में नहीं चली है बट आपको एक अच्छा गेम करके दे सकती हैं। दिलारी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती हैं। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ। तो फिलहाल मैंने कैप्टन किया हुआ है यहाँ पे अतुपतु को, वाइस कैप्टन कैप्सी है। भाई मेरे को अभी भी दुख हो रहा है कि मैंने पहले मैच को प्रभुदानी को लिया था और दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया, तो भी वहाँ पे मेरा जो 25 मेंबर्स की लीग थी उसमें 2रा रैंक आया था, ठीक है। बट मैं चाहता था कि प्रभुदानी को मैं बैक करता, मैंने लिखा भी था वहाँ पे, तो वो 25 मेंबर्स से 2रा रैंक आया उसकी खुशी नहीं है। खुशी जब होती जब मैं प्रभुदानी को लेता और अपने प्लेयर्स को बैक करता और मैं हार भी जाता तो भी मेरे को इतना दुख नहीं होता। बट दुख अब इसलिए हो रहा है कि मेरे को प्रभुदानी का पता था कि चलेगी और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था टीम से। मैंने मतलब क्या ही कहूँ यार, चलो अब इनको रहने वाला सारा ग्लेन चार्लीडिन गिब्सन दिलारी माया बुशीर डेनी वाइट एमी जोन्स। मतलब आपको फैंटेसी में हर दिन कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, बस वही आप सीखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ अपने ऊपर, क्योंकि किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से बात करो, यार मैंने क्या गलती करी है उसको पहचानो एक बार। मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ। संजीवनी आप ट्राई कर सकते हो, मैं एमी जोन्स के साथ जा रहा हूँ फिलहाल, संजीवनी भी बेटर प्लेयर है। डेनी वाइट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे माया बुशीर एक अच्छी पिक आपके लिए हो सकती हैं। फिर से हीदर नाइट को ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे क्रिकेटर हमेशा रही हैं, आपको 40-50 पॉइंट हर मैच में करके दी जाती हैं। हर्षिता सुमेरकुरा का ट्राई कर सकते हो, अच्छी क्रिकेटर हैं ये भी। विश्व गुणरत्न भी ओपन करती हैं, पता नहीं उसको टीम पिछले मैच में ओपन क्यों नहीं कराई। अतुपतु इंपॉर्टेंट है, कैप्सी इंपॉर्टेंट, दिलारी इंपॉर्टेंट है, गिब्सन को मैंने फिलहाल ऐसे ही लिया हुआ है, रिसेंट फॉर्म इनका कंसर्न है। इनका रेनेवेरा इंपॉर्टेंट, डीन इंपॉर्टेंट, कैट क्रॉस को आप लेके जा सकते हो, खराब प्लेयर नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रभुदानी को बैक किया, यूनिवर्सिटी फर्नांडो भी बहुत अच्छी पिक है, सारा ग्लेन इंपॉर्टेंट है, और लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। सी सून, जय हिंद।